उम्र 26 साल थी। ये घर से सामान लेने के लिए आया 5:15 बजे। अच्छा। और उसके बाद हमें 6 बजे खरीब मिली कि गोली चोट लग गई है। फिर हमें ढूंढते डोले घंटों हमें नहीं मिला। प्राइवेट 4 हॉस्पिटलों ने लेने से इनकार कर दिया। जिस समय पे उसकी गोली निकाल दी जाती तो मरता नहीं, हमारा घर नहीं उजड़ता। उपद्रवियों ने गोली मारी है। मेरा एक छोटा लड़का था, जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता है। तो 6 बजे के आसपास डेथ हुई है उसकी। 6:30 पे गोली लग गई, 5:30 के आसपास। हॉस्पिटल 4 में लेके, 4 ने लिया नहीं, 5वें में सरकारी में पहुंच गए तो उसकी डेथ हो गई। घंटों उसने सांस ली अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन हॉस्पिटल ने मदद नहीं की। वो डॉक्टर नहीं, वो राक्षस हैं। उनका लाइसेंस रद्द की जाए, उन पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, क्यों मरीजों के लिए डॉक्टर होते हैं। लेने से इनकार कर दिया इन लोगों ने। लवकुश हॉस्पिटल है और 3 हॉस्पिटल और हैं। शांति वाला हॉस्पिटल है और भी 2 हॉस्पिटल, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। समय से गोली निकल जाती तो बच जाता। सांस नली में गोली अटक गई और वो सांस लेने में परेशान लगा खत्म हो गया। मेरी ये अनुरोध है कि ये शांति व्यवस्था बनाई जाए और डॉक्टरों पर भी शिकंजा कसा जाए। पुलिस फोर्स में कल 3 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ कि सोशल वर्क करता हूँ, मैंने देखा कि हादसा होने वाले हो रहे हैं, तो मैंने पुलिस को 112 पे 2 बार फ़ोन किया तो उन्होंने कहा फोर्स भेज रहे हैं। थाने को फ़ोन किया, जालपुर को, करावल नगर को, ACP, DCP कोई फ़ोन नहीं उठाता जिनका।